भाई अपने कहाँ कर सकते। जिला कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने आज चाचौड़ा तहसील के ग्राम पंचायत पेंची का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने गांव में भ्रमण कर सीसी निर्माण का निरीक्षण किया, जिसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई तथा लोगों की समस्या को जाना। कलेक्टर अचानक ही शासकीय राशन दुकान पर भी निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उनको बहुत अनियमितताएं देखने को मिली। राशन की दुकान पर तेल बांटने वाले मापक यंत्र को जब कलेक्टर ने हाथ में लिया और बिस्लरी की बोतल जो 1 लीटर की होती है उसको नाप कर देखा तो मापक यंत्र में कमी निकली, जिस पर कलेक्टर महोदय ने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचे, जहाँ पर एकमात्र कर्मचारी ही मिला। स्वास्थ्य केंद्र की पिछले 5 माह से बिजली कटी हुई है और भी अन्य कई कमियां देखने को मिली, जिस पर कलेक्टर ने सुधार के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र में लाइट ना होना तथा गर्मी के कारण कलेक्टर महोदय खुद किताब से हवा करते नजर आए। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। 2-2.5 घंटे का निरीक्षण किया था अलग निर्माण कार्यों के संबंध में। जो निर्माण कार्य अभी अधूरे पड़े उनको पूरा करना है। कुछ न निर्माण कार्यों की सीसी रोड की गुणवत्ता मेरे द्वारा चेक करी गई, गुणवत्ता संतोषपूर्ण नहीं है, तो जो भी संबंधित लोग हैं उनको नोटिस दे रहे हैं। पीएचसी का निरीक्षण किया गया, पीएचसी में थोड़ी अव्यवस्थित है अभी, इसको भी ठीक करेंगे। और राशन की जो दुकानें हैं उसका भी निरीक्षण करा है, वहाँ पर भी कुछ एक कभी व्यवस्थाएं मिली हैं, उनको भी ठीक करेंगे। सर, इस गांव में पानी की सबसे बड़ी समस्या है और उसको लेकर ऊपर से भी राशि आवंटित हो गई है, ऐसा मालूम पड़ा, पर अभी तक राशि हमने आवंटित कर दी थी। उसके बाद में भी ये जानकारी आई है कि लगभग 15 दिन से वो राशि बैंक के खाते में किसी तकनीकी कारण से नहीं पहुँची है। ये यूनियन बैंक में हम लोग बात करके इसका जो भी टेक्निकल कारण है उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवा करके, क्योंकि काम उसमें ज़्यादा बचा नहीं है, 2 दिन में ही जैसे ही राशि मिल जाती है।